नमस्कार दोस्तों, जीरो माइल किचन चैनल में आज फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सेव की सब्जी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सेव की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे। इसके बाद रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई थोड़ा सा गर्म होने तक वेट कर लेंगे। तो अब हमारा थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे हम 2 से 3 टी स्पून मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और इसको चारों ओर इस तरह से चला लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई और 1/4 हींग, और सबको थोड़ा सा चटकने देंगे। तो ये सब कुछ चटक गया। इसके बाद डालेंगे हम हरी मिर्च, बारीक क्रश किया हुआ अदरक, बारीक क्रश किया हुआ लहसुन, एंड इसी के साथ डाल देंगे हम प्याज। हम यहाँ पे 2 प्याज ली थी उसको, और अब सबको एक साथ मिक्स करते हुए इस तरह से मीडियम फ्लेम पे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और बीच बीच में इसको इस तरह से चलाते रहना ताकि हमारा प्याज जो है जले नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए, अब हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया है। इसमें अब डालेंगे 2 बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को यहाँ पे कट करके ही डालना है और सबको एक साथ मिला लेना है और लो फ्लेम पे इसको ढक के पकाना है ताकि टमाटर जो हमारा सॉफ्ट हो जाए। वनली 2 मिनट। ये देखिए, ढक्कन हटा के हम एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए, टमाटर से पानी भी रिलीज हो गया है। अगर लगे कि टमाटर हमारा नहीं जल रहा है तो फिर थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे टमाटर एंड प्याज को गलाने के लिए, और अच्छे से नमक को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद ढक्कन लगा देंगे तो टमाटर जो हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारा 2 मिनट हो गया है और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, और इस पलटे के सहारे से इस तरह से स्मैश कर देंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाला। तो मसाले में मैं ले लूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर आराम से, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। अब सबको मिक्स कर लेंगे और इसमें 2 टीस्पून के करीब बस पानी डाल देंगे ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से भून जाए। अब सारे मसाले को इस तरह से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट खुले पका लेंगे, और जैसे ही हमारा 1 मिनट हो जाएगा ढक्कन लगा के वापस 1 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो अब हम ढक्कन हटाएंगे और ये हमारा मसाला अच्छे से बिल्कुल पक के रेडी हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, 3 से 4 चम्मच पानी इसमें इस्तेमाल करना है, और ग्रेवी को थिकनेस देखते हुए थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड करेंगे, लगभग 1 टीस्पून के करीब। तब हमारे पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जो इजीली मार्केट में मिल जाता है, और उसको भी मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, हाथों पे इस तरह से क्रश कर लेंगे हथेलियों से, और इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और थोड़ा सा मसाला को ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम सेव डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा मसाला हमारा गर्म रहेगा, सेव जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। तो जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो अब हमारा मसाला ठंडा हो गया है और मेरा मेन इंग्रेडिएंट है सेव। तो आइए डालते हैं। तो अब इसमें हम सेव को डाल देंगे। आप चाहें तो जिस वक्त सर्व कर रहे हैं ना, मसाला बना के रख लीजिए और सर्व करने से 2 मिनट पहले सेव को डाल करके इस तरह से मिक्स करके और सर्व कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।